दोस्तों, आज इंडिया के हर एक घर में जो एक चीज ने सारी इमेजिनेशन को कैप्चर करा हुआ है वो है जब रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। सूरज की रोशनी को थोड़ी सी फिजिक्स, ऑप्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी को यूज करके इस तरीके से गाइड किया गया कि वो एक सर्कल के फॉर्म में डायरेक्ट रामलला के फोरहेड के ऊपर, आईब्रोज के बीच में एक सर्कल के फॉर्म में कुछ देर के लिए वहां पर ग्लो हुआ, सूरज की रोशनी वहां गिरी एंड देन दैट्स ऑल। जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो बहुत सारे लोग या तो इसको कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में ले जाते हैं, कुछ लोग इसको कंप्लीट साइंस में ले जाते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसे इवेंट को हम थोड़ा सा अगर हटकर देखें तो यहाँ पर हमें खूब सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो देखो, जैसे 9th-10th के अगर मेरे दोस्त अभी देख रहे हैं तो वो सीधा इस लाइन को जब देखेंगे तो वो बोलेंगे, ओह यहाँ तो टिंडल इफेक्ट हो रहा है यार, यहाँ पे द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। बिल्कुल टिंडल इफेक्ट होगा यहाँ पर, तो अपन इस बात को देखेंगे। दूसरा, सूरज की रोशनी जब यहाँ पर आ रही है और अगर मैं लेंसेज या मिरर्स को यूज कर रहा हूँ, देन मिरर्स एंड लेंसेज वो इमेज बनाते हैं। इमेज मतलब यहाँ पर सर्कल जो दिख रहा है वो सर्कल ही दिखना था क्योंकि सूरज की इमेज बन रही है। अब यहाँ पर जब बात आएगी तो बात ही आएगी कि अगर यहाँ पर रोशनी आ रही है, इमेज बन रही है, तो इस इमेज को बनाने के लिए अगर लेंसेज यूज करें तो वो फॉर्मूले तो मैंने 10th class में भी पढ़े एंड 12th class की ऑप्टिक्स में भी मैंने वो फॉर्मूले पढ़े, जहां पर यू वी और एफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और मिरर का फॉर्मूला भी होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर भी आती है। तो वो सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, जहां पर अभी ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, इन्फिनिटी में, सूरज तो बहुत दूर है, तो कुछ वाले फॉर्मूले लगे होंगे। दो पार्ट। तीसरा, हम पढ़ते हैं जब जेई के लिए तैयारी कर रहे होते, नीट के लिए तैयारी कर रहे होते, तब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी के बारे में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब जब रोशनी गिर रही है तो उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर इंटेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा हुई तो वो जो सरफेस है जहां पर ये रोशनी गिर रही है तो जल जाएगा। क्यों भाई? अगर मैंने एक मैग्नीफाइंग लेंस लिया, सूरज की जब इमेज मैं कागज पे बनाता हूं तो जल जाती है, तो उस चीज को यहां पर देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ते हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, एक पार्ट, धरती टिल्टेड है, दूसरा पार्ट, जब घूम रही है तो परफेक्ट सर्कल में नहीं घूम रही है, इसके चलते भी तो प्रॉब्लम आती होगी। दोस्तों, मैं उत्तरा मेंटर फैन मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मेशन साइंटिस्ट, और आज हम इस इवेंट की कंप्लीट फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, अपन चालू करते हैं इस चीज को। ये जो क्लिप है, ये मैं इंडिया टुडे और आज तक पे जब आया था तो उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट यहां लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिए, ओके, ये जो स्लाइड है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। ये हमें वो इमेज मिल रही है सूरज की, ऑब्वियसली इमेज मिलेगी क्योंकि हम ऑप्टिक्स यूज कर रहे हैं, और हमें ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता टिंडल इफेक्ट के कारण दिख रहा है। अब इस इमेज को देखो, इस इमेज के अंदर मेरे पास एक प्योर सॉल्यूशन है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास टिंडल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि लाइट बिखरती नहीं है। लाइट को बिखरते हुए कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। आसमान नीला ही इसीलिए है कि लाइट बिखर गई। टिंडल इफेक्ट जब होता है तो हमें लाइट का रास्ता दिख रहा है, ये लाइट का जो रास्ता में विजिबल हो रहा है वो यहां भी विजिबल हो रहा है। तो यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बना? तो जो हवा है यहां पर, जो एटमॉस्फेयर है, उस कमरे का जो वातावरण है, उसके अंदर दिए जलाए गए थे, अगरबत्तियां जल रही होंगी, धूप जल रही होगी, उसके कारण धुआं हो रखा है। वो जो धुआं है वो परफेक्ट मिक्स दे रहा है हमें कि हमें ये जो बीम है इसका पूरा रास्ता परफेक्टली दिखे, एक पार। तो बस ये तो इतना आसान हुआ ना, फिर तो इसको करने की क्या जरूरत है, बस ये तो बन गया, बहुत इजी है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले हम एक और चीज देखेंगे, वो ये है, ये सेटअप है जहां पर सूरज की लाइट को कैप्चर करके इस तरीके से लेंसेज एंड मिरर्स को यूज करके हमें वो फाइनल जो बीम जो मिली ना, जो फोरहेड पे चमकती है, वो मिली। अब देखो कैसे, तो हमारे पास यहां पर जो एम लिखा हुआ है ये मिरर है, पहला मिरर है। इस मिरर का क्या काम है? इस मिरर का काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना। तो लगेगा ना, ठीक है ना, 12 बजे सूरज की रोशनी को पकड़ना, सूरज तो ऊपर है। क्या सूरज 12 बजे हर दिन एग्जैक्टली ऊपर होता है? नहीं, ठीक है। तो M1 जो मिरर है, ये मिरर मूवेबल होना चाहिए, इसको सन ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मिरर पे जो रोशनी गिरेगी सूरज की वो सदा सेम ओरिएंटेशन में नहीं होगी। अपन देखेंगे इस चीज के बारे में भी, ठीक है। यहां पे दो टर्म और है जो ध्यान रखने अपने को, एक हमारे को ध्यान रखना है मेटोनिक साइकिल, और एक हमें ध्यान रखना है एनालेमा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां से रोशनी आई मिरर से, मिरर क्या करेगा? मिरर करेगा रिफ्लेक्ट, लेकिन मिरर से जो रोशनी आई है तो सूरज की रोशनी मिरर पे गिरी, वो तो डिफ्यूज्ड रोशनी है। ऐसी की ऐसी रोशनी को मैं आगे नहीं भेजना चाहता, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको बीम बनाना चाहता हूं। बीम बनाने के लिए हम लेंस यूज करते हैं जो उसको कन्वर्ज कर दे। फिर हमने एक लेंस लगाया L1, L1 लेंस से जब वो पास हुई तो वो गिरी मिरर पे,
M2 मिरर पे, M2 मिरर पे गिरेगी तो देखो एंगल पे लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो एंगल यहाँ पे हमें दिख रहा है तो ये एंगल क्या करेगा, तो देखो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, एक रे ऑफ लाइट यूं आई है, रिफ्लेक्शन हुआ नीचे जा रही है, तो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर दिया। यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है वो क्या करेगा, वो जो रेज आ रही है उनको कन्वर्ट करेगा एक बीम की फॉर्म में, जिससे कि हमें यहाँ पर एक बीम मिले, राइट। तो हमारे पास एक लेंस है, फिर एक मिरर है, हम M2 मिरर से नीचे आए, हमारे पास एक और लेंस लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लेंस क्यों लगाया, क्योंकि जो मिरर से रोशनी यहाँ निकली है वो फिर से बिखरने लगेगी, वो फिर से बिखरने लगेगी, हमको उसको बिखरने नहीं देना है, तो हम यहाँ पर एक और लेंस लगा रहे हैं। जो यहां से जो रोशनी आ रही है, ये रोशनी जब बिखरना चालू करेगी, ये प्रॉब्लम है दोस्तों ऑप्टिक्स की, ये लिमिट है ऑप्टिक्स की, जहां पर रे और वेव में प्रॉब्लम होने लग जाती है, रे ऑप्टिक्स सीधी लाइन वाली, वेव ऑप्टिक्स, तो उसके लिमिट के चलते हमें यहाँ पर लेंस लगाना पड़ेगा जो कि इस बिखराव को फिर से कंट्रोल करे। और फिर यहां से L2 से हम नीचे पहुंचेंगे, यहां पर एक और लेंस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस लेंस ने उसको बीम बनाया, लेकिन वो बीम जो है फिर से डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रही है तो वो फिर से बिखरने लगी, फिर हमने एक लेंस लगाया जो उसके बिखराव को फिर से बांध दे, ठीक है। यानी यहां से जब वो फिर बिखरने लगी बीम रोशनी, अगर टॉर्च मैं लेता हूं और पास में जब टॉर्च को चालू करता हूं तो गोला दिखता है, लेकिन जब मैं सामने दीवार पर टॉर्च को मारता हूं तो पूरी बिखर जाती है, राइट, उसको कहते हैं लाइट का बिखरना, उसके लिए हमें लेंसेज चाहिए, ठीक है। यहां पर हमारे पास मिरर है, मिरर का क्या काम है, हमें डायरेक्शन को बदलना है रोशनी के, यू रोशनी आ रही है उसके डायरेक्शन को बदलना है, डायरेक्शन को बदला, यहां पर M3 मिरर है, फिर एक और लेंस है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट बीम, हमें परफेक्ट बीम चाहिए, हमें वो जो गोला जो बन रहा है ना, सर्कल जो बन रहा है, वो फोरहेड के यहां पर बनना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं बनना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमने फिर से लेंस लगाया, एक और मिरर लगाया, और यहां पर सीधा हम जा रहे हैं जिसने करा सूर्य अभिषेक। अब ये और ये जो दो इमेजेस, इसमें क्या डिफरेंस है, ये इमेज वो है जो फाइनल डिजाइन में आएगी, अभी फाइनल डिजाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो आज हमने जो फिनोमेना देखा उसके अंदर ये डिजाइन यूज करी गई है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है ये जो दोनों डिजाइन है, लेकिन आज सेकंड फ्लोर पे थे, फाइनली ये थर्ड फ्लोर पे रखा जाएगा। ये ऑप्टिक्स का रोल था जो ऑप्टिक्स ने पूरा किया, यहां से जब रोशनी निकली, ये जो रोशनी निकली वो रोशनी हमें बीम के फॉर्म में क्यों दिखी, वो दिखी हमें बिकॉज ऑफ दी टिंडल इफेक्ट, हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा हुआ है। अब बात यह आती है कि बहुत से लोगों को लग रहा है यार दैट्स सो इजी, इसमें क्या नया क्या काम कर दिया, तो बहुत आसान है, तो कोई भी कर सकता है, राइट। नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि जो धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो अगर मैं यहां पर सन बनाता हूं और यहां धरती बनाता हूं, तो ये जो धरती का मोशन है सन के चारों तरफ, ये सर्कुलर नहीं है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, ये एंगल पे टिल्टेड है, अपनी धरती एंगल पे टिल्टेड है, ये दूसरी प्रॉब्लम। तो ये दो प्रॉब्लम है, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये होता है कि अभी इसी वक्त आप अगर बाहर जाएंगे और सूरज की फोटो खींचेंगे, और रोज 365 दिन आप इसी वक्त बाहर जाके फोटो खींचोगे, तो सूरज आपको सेम पोजिशन पे नहीं मिलेगा, रेदर आप सूरज का एक ऐसा फिगर बनता हुआ दिखेंगे उसकी लोकेशन का, इसको कहते हैं एनालेमा, इसको कहते हैं एनालेमा। अब ये एनालेमा क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम हर साल 17 अप्रैल को सूरज को देखेंगे, तो सूरज हर साल 17 अप्रैल को सेम पोजीशन पे होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम तिथि की, जब हम बात करते हैं हमारे त्योहारों की, हम बात करते हैं रामनवमी या दिवाली या दशहरा की, वो तिथि के हिसाब से आते हैं। तिथि जो है वो डिपेंड करती है हमारी लूनर साइकिल पे। लूनर साइकिल की ये प्रॉब्लम है कि लूनर साइकिल हमारी डेट के साथ अलाइन नहीं होती। एक हमारी डेट 1 जनवरी, 2 जनवरी, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, एक हमारी तिथि आज एक द्वितीय तृतीय ऐसे षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, ये जो है ये चलती है लूनर साइकिल पे, ये दोनों मैच नहीं करती। इनकी जो मैच करने का पीरियड है वो 19 साल का पीरियड है, 19 ईयर्स के अंदर ये मैच करती है, जो इस इमेज से हम दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं हम मेटोनिक साइकिल। हम इसको क्या नाम देते हैं, मेटोनिक साइकिल। तो ये जो मेटोनिक साइकिल है ये बोलती है कि हर साल तिथि और डेट सेम नहीं होगी, लेकिन आज 2024 में जो डेट और तिथि है वो आज से 19 साल बाद भी सेम होगी। 19 साल की साइकिल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जब अगले साल हम फिर से रामनवमी के दिन इसी फिनोमेना को वापस करना चाहेंगे, तो सूरज जो है वो अपनी उसी पोजीशन पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगले साल 17 अप्रैल को रामनवमी आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। 17 अप्रैल को रामनवमी आज से 19 साल बाद आएगी, इसकी
गारंटी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है लेकिन इसकी गारंटी है, लेकिन अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 17 अप्रैल को आएगी। मतलब ये कि अगर आज हमने जब सूरज को गाइड करा पूरे रास्ते यहां पर बीम को लाने के लिए, रोशनी को लाने के लिए, तो अगर सूरज यहां था, मान लो यहां था, तो अगले साल जब रामनवमी आएगी तो सूरज यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस डेट को आ रही है, कौन सी डेट है वो। तो अब ये चीज समझनी जरूरी है कि इस चीज को कैसे एडजस्ट किया जाएगा इस फिनोमेना के लिए। यानी हम अगर इस इमेज को देखें तो यहां पर ये जो मिरर है M1, इट हैज टू बी अ सर्वो ड्रिवन ऑप्टिकल सेंटर। तो हम इसको ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। क्यों? इसको ट्रैक करना है, इट हैज टू ट्रैक। देखो यहां लिखा हुआ है कि हमने एक पेरिस्कोप बनाया है मिरर और लेंसेज को यूज करके। पेरिस्कोप एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, तो बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट में बनाते हैं। इसको बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, ऑप्टिक्स के यहाँ पे कुछ नियम कानून लगे हैं, क्योंकि हम जब पेरिस्कोप बनाते हैं तो बहुत सिंपल सा बनाते हैं कि हमें इधर से देखना है पाइप के थ्रू ऊपर, सिर्फ देखना है, हमको कोई परफेक्ट इमेज नहीं बनानी, हमें बस देखना है। तो हम लेंसेज और मिरर्स के कॉम्बिनेशन से देख लेते हैं, बट यहां पर हमने लेंसेज लगाए क्योंकि हमें परफेक्ट एक सर्कल चाहिए था, उसका भी डिफाइंड डायमीटर था, वो बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक पार्ट। फिर हमने मिरर लगाए हैं, बहुत सिंपली, मोस्टली जो मिरर हमने लगाए हैं सारे फ्लैट हैं, सारे फ्लैट मिरर हैं। और फिर हमने लगाए हैं लेंसेज। ठीक है, अब यहां पर जो मेन चीज है वो है M1 मिरर, जो है M1 मिरर, ये वाला मिरर, ये जो मिरर है इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी हर साल 19 साल की साइकिल में, क्योंकि दिस इज मेटोनिक साइकिल, ये मेटोनिक साइकिल है। तो इस मेटोनिक साइकिल के चलते 19 साल की साइकिल है, यानी आज जो अलाइनमेंट है ऐसा 19 साल बाद होगा, एक पार्ट। दूसरा, हर साल क्यों इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो तिथि आती है वो सेम नहीं होगी जो डेट होती है, यानी 17 अप्रैल को नवमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट, क्या कहते हैं ना, इसको एनाटॉमी कर डाली, इसको चीड़ फाड़ कर डाला हमने आज जो इवेंट हुआ उसके पीछे की फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। एंड जाने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उसके अंदर लिंक मिलेगा निम्बस एजुकेशन की ऐप का, जिसके ऊपर खूब सारे कोर्सेज चल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स भी चल रहा है, जरूर से एनरोल कर लेना अगर ऐसी ही और चीजें जानने की इच्छा हो तो। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।